नमस्कार, मैं अश्वानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 नवंबर दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता ऐतिहासिक खिताब। दीपिका का निर्णायक गोल, भारत हुआ विजयी। भारत ने बिहार में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती। नेहा शर्मा आज मना रही है अपना जन्मदिन। बिहार में जन्मी नेहा शर्मा का फिल्मी करियर जल्द ही हेराफेरी 3 में आएंगी नजर। नियुक्ति पत्र बांटने के बाद सीएम ने कही ये बात। शीर्ष नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनने का मौका, इसके लिए इन शिक्षकों को दिए जाएंगे 5 मौके। बिहार में सोलराइजेशन योजना, किसानों को मिलेगा आय का नया स्रोत। योजना की विस्तृत जानकारी इस नंबर पर। बिहार में वृद्धजनों को मुफ्त इलाज, आयुष्मान व वंदन योजना की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी से कार्ड बनाने का किया अपील। YouTube पर अपनी प्राइवेसी का रखें ख्याल। YouTube इनकॉग्निटो मोड फीचर, इस फीचर से YouTube पर वॉच हिस्ट्री छिपाएं। हार्दिक पांड्या बने वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर। हार्दिक पांड्या ने लिविंग स्टोन को पछाड़ा। पांड्या के T20 में शानदार प्रदर्शन। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IDBI बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ के 600 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 21 नवंबर 2024 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 है। इसमें जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्री एसेट ऑफिसर AAO के पदों पर भर्तियां होंगी। उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेना होगा, जो दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। आवेदन के लिए आयु सीमा 20 से 25 वर्ष है और उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन की डिग्री या संबंधित विषय में 4 वर्ष की डिग्री होनी चाहिए। वेतनमान 6.14 लाख से 6.50 लाख रुपए सालाना रहेगा। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन, व्यक्तिगत साक्षात्कार और भर्ती पूर्व चिकित्सा परीक्षण शामिल है। वैकेंसी में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट idbibank.in पर जाना होगा। बिहार के राजगीर में खेलने गए भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत कर इतिहास रच दिया है। फाइनल मैच में चीन को 1-0 से हराकर भारत ने पूरे टूर्नामेंट में अजेय रिकॉर्ड कायम रखा। दीपिका ने तीसरे क्वार्टर में पेनाल्टी कॉर्नर से निर्णायक गोल किया, जो उनका इस टूर्नामेंट में 11वां गोल था। मैच के आखिरी मिनटों में भारतीय डिफेंस ने शानदार खेल दिखाया और चीन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। दर्शकों का उत्साह भी देखा गया, जो सुबह 10 बजे से ही स्टेडियम में जुटने लगे थे और लगातार भारत के समर्थन में नारे लगा रहे थे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की इस खिताबी जीत में भारतीय महिला हॉकी टीम की सभी खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई। यह जीत उनकी कड़ी मेहनत, ऊर्जा और धैर्य के साथ ही दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी टीम को भविष्य के लिए भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे नेहा शर्मा की। 21 नवंबर 1987 को भागलपुर बिहार में जन्मी नेहा शर्मा एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं। उनके पिता अजीत शर्मा कांग्रेसी विधायक हैं। नेहा ने अपनी शुरुआती शिक्षा माउंट कार्मेल स्कूल से प्राप्त की और फैशन डिजाइनिंग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट से पढ़ाई की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म चीरत से की थी। उन्होंने तेरी मेरी कहानी और क्या सुपर कूल है हम जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। 2020 में ताना जैसी फिल्मों में भी वो अभिनय कर चुकी हैं। 2023 में आई फिल्म जोगीरा सारा राम में नजर आई थी। उनका अब तक हिंदी फिल्मों का करियर कुछ खास नहीं रहा, लेकिन वो जल्द ही हेरा फेरी 3 में जॉन अब्राहम के संग प्यार की पिंगेर पड़ती हुई नजर आएंगी। सोनपुर मेले में राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने एक विशेष स्टॉल लगाया है, जहां लोग 150 रुपये में अपने जिले के राजस्व मौजा का नक्शा प्राप्त कर सकते हैं। विभाग ने इस स्टॉल पर जमीन से जुड़ी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई है। इसके अलावा विभाग ने होम डिलीवरी की सुविधा भी शुरू की है, जिससे विभाग की वेबसाइट पर जाकर लोग ऑनलाइन आवेदन करके घर बैठे नक्शा मंगवा सकते हैं। यह पहल उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें जमीन से जुड़े विवाद हल करने हैं या जो जमीन खरीदने बेचने की प्रक्रिया में है। उद्घाटन के समय प्रमुख अधिकारी भी मौजूद थे। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 200 शिक्षकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटे, बाकियों को उनके गृह जिले में नियुक्ति पत्र दिया गया। इस दौरान उन्होंने बिहार में शिक्षा और शिक्षकों को लेकर कई सारी बातें भी कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनके शासनकाल में बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था
और आवागमन में बड़े सुधार हुए हैं। 2005 में सत्ता में आने के बाद से राज्य में बदलाव आया है जिसमें अब आवागमन आसान हो गया है। उन्होंने शिक्षकों की कमी को लेकर बताया कि 2006-07 से पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 28,000 नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बना दिया गया और शेष शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनने का अवसर देने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 5 मौके दिए जाएंगे। बिहार में अब पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया को हिंदी में भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम राज्य के कम पढ़े लिखे लोगों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि वे बिना एजेंट की मदद से स्वयं आवेदन कर सकें। इस प्रक्रिया को तकनीकी रूप से सरल और सुविधाजनक बनाया जाएगा जिससे ऑनलाइन आवेदन की संख्या में वृद्धि हो सकेगी। राज्य के 38 जिलों में 40 पासपोर्ट सेवा केंद्र पहले ही खोले जा चुके हैं लेकिन अभी भी कई लोग एजेंट के माध्यम से आवेदन करते हैं। अब आवेदन हिंदी में होने से आम लोगों को इससे बड़ा लाभ होगा। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने 1,121 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े 3,681 कृषि और मिश्रित फीडरों के सोलराइजेशन के लिए निविदा जारी की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को हरित ऊर्जा के माध्यम से आय का नया स्रोत प्रदान करना है। किसान अपनी भूमि पर सोलर प्लांट लगा सकते हैं या अपनी जमीन लीज पर दे सकते हैं। योजना में भारत सरकार 1.05 करोड़ और बिहार सरकार 45 लाख तक की वित्तीय सहायता देगी। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के व्हाट्सएप नंबर 7320924004 पर इस योजना की विस्तृत जानकारी मिल सकती है। इसके साथ ही कजरा सोलर पावर प्लांट को समय से पहले पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं जो बिहार की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा परियोजना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान बिहार मंडप का उद्घाटन किया और कहा कि बिहार में फिल्मों की शूटिंग के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता खासकर मॉरिशस से रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है जिससे फिल्म उद्योग में निवेश बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रवि किशन ने भी बिहार को फिल्म निर्माण स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को आयुक्त कार्यालय में की गई जिसमें सभी 18 प्रत्याशियों के कागजात सही पाए गए जिनमें जदयू के अभिषेक झा, राजद के गोपी किशन और जन स्वराज पार्टी के विनायक गौतम सहित निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी राजेश कुमार रोशन की रविवार को मृत्यु हो गई। नामांकन प्रक्रिया में 21 नवम्बर तक नाम वापस लिया जा सकता है। 5 दिसंबर को मतदान होगा और 9 दिसंबर को मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। YouTube पर प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए एक शानदार फीचर है YouTube इनकॉग्निटो मोड। यह फीचर आपको YouTube पर वीडियो देखते समय आपकी वॉच हिस्ट्री और सब्सक्रिप्शन को छिपाने की सुविधा देता है। जब आप इस मोड का उपयोग करते हैं तो YouTube को ऐसा लगता है जैसे आप लॉगिन ही नहीं है। इस मोड को एक्टिवेट करने के लिए फ़ोन में YouTube ऐप खोलें, स्क्रीन पर अपने अकाउंट आइकॉन पर टैप करें। यहाँ आप टर्न ऑन इनकॉग्निटो ऑप्शन चुनें। अगर पहली बार यह मोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो गॉट इट पर टैप करें। इनकॉग्निटो मोड में 90 मिनट से ज़्यादा इनएक्टिव रहने पर यह मोड अपने आप बंद हो जाएगा। बिहार सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के इलाज की सुविधा शुरू की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने पटना में आयुष्मान व्यय वंदन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा और सरकार ने 50 लाख आयुष्मान वंदन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। कार्ड बनाने के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। पटना में घर घर जाकर कार्ड बनाया जाएगा और योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र जैसे कागजात जरूरी होंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कार्ड के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है। हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर तक बिहार दूसरे स्थान पर होगा। 1,800 करोड़ रुपए आयुष्मान कार्ड की वजह से बचे हैं। पूर्णिया में जल्द ही पोर्टा केबिन कॉन्सेप्ट पर हवाई सेवा शुरू होने की संभावना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूर्णिया में अंतरिम टर्मिनल के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है जिसकी लागत 45.45 करोड़ रुपए है। इस टर्मिनल के निर्माण में एडवांस्ड HVAC सिस्टम और आधुनिक विद्युतीकरण सेटअप जैसी सुविधाएँ होंगी। निर्माण कार्य में 4 माह का समय लगेगा और इसे जून तक पूरा करने का लक्ष्य है। साथ ही एयरपोर्ट के बाउंड्री वॉल और रनवे निर्माण के कार्य भी चल रहे हैं। यह योजना भारत सरकार की उड़ान स्कीम के तहत विकसित की जा रही है।
भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोअर बर्थ की सुविधा प्रदान करता है ताकि उनकी यात्रा को आसान और आरामदायक बनाया जा सके। अगर आप अपने वरिष्ठ नागरिक माता पिता के लिए लोअर बर्थ बुक करना चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा। रेलवे ने बताया कि जनरल कोटे के तहत टिकट बुक करने पर लोअर बर्थ तभी मिलेगी जब सीट उपलब्ध हो। रिजर्वेशन चॉइस बुकिंग में लोअर बर्थ प्राथमिकता से मिलेगी। इसके अलावा यदि निचली बर्थ उपलब्ध हो तो आप TTE से संपर्क करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य राजस्व विधि, BT एक्ट, दाखिल खारिज अधिनियम, भू बंदोबस्ती और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं में कर्मचारियों को दक्ष बनाना है। 2 दिसंबर से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में 400 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रत्येक बैच में 50 कर्मचारी होंगे और प्रशिक्षण पटना स्थित सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में दिया जाएगा। इसके साथ ही अधिकारियों को जन सुनवाई कार्यक्रम में जनता की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश भी दिया गया है। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में 9 साल से बंद टॉय ट्रेन को फिर से शुरू करने की योजना बन रही है। दानापुर रेल मंडल ने हाल ही में चिड़ियाघर में सर्वे किया और इसके ट्रैक और संरचना में बदलाव की आवश्यकता पाई। टॉय ट्रेन के ट्रैक को स्थिर करने के लिए दीवार और पुल बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। ट्रेन का रूट नया होगा और इसकी पटरियों की लंबाई 3.7 किलोमीटर से घटकर 3.5 किलोमीटर होगी। इसके संचालन के लिए 9 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है और उम्मीद है कि 2025 के जून जुलाई में ट्रेन फिर से चलने लगेगी। बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है और कोहरे का असर भी बढ़ने लगा है। पछुआ हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है जिससे राज्य में ठंड का एहसास होने लगा है। 23 नवंबर से ठंड और बढ़ने की संभावना है क्योंकि कोहरे का असर भी और बढ़ेगा और धूप का असर कम होगा। इस कारण अगले 4 से 5 दिनों में ठंड में और वृद्धि होने की उम्मीद है। बुधवार को बिहार के कई जिलों में सुबह कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई थी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ठंड बढ़ सकती है। नवादा साइबर थाना की पुलिस ने वारसिलीगंज थाना क्षेत्र के लीला बीघा और मसूदा गांव में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये साइबर ठग सस्ते लोन का झांसा देकर लोगों से ठगी कर रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 10 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 2 फिंगर स्कैनर, 16 बैंकों के पास बुक, पैन कार्ड, लैपटॉप और प्रिंटर बरामद हुए हैं। इनके खिलाफ 3 शिकायतें NCERP पोर्टल पर दर्ज है और नवम्बर महीने में 12,09,000 रुपये की ठगी का ट्रांजेक्शन हुआ था। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। एक वायरल वीडियो में एक कार चालक को एम्बुलेंस का रास्ता रोकते हुए दिखाया गया है जबकि एम्बुलेंस में मरीज था और उसे अस्पताल पहुंचने की जल्दी थी। सायरन बजाने के बावजूद कार ने रास्ता नहीं दिया जिससे एम्बुलेंस को 2 मिनट तक रुकना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी पर 2,05,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया। आपको बता दें कि मोटर वाहन एक्ट के सेक्शन 194E के तहत एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की सजा या दोनों भी हो सकती है। यह घटना एक सख्त संदेश देती है कि इमरजेंसी वाहनों को रास्ता देना जरूरी है। पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोसपा की 2 दिवसीय बैठक 20 नवंबर को समाप्त हुई। बैठक में पार्टी के विस्तार और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि पार्टी पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देगी। उन्होंने रामविलास पासवान की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात की और चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए पशुपति कुमार पारस को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बताया। बैठक में पार्टी के कई प्रमुख नेता शामिल थे और आगामी रणनीतियों की घोषणा जल्द होने की संभावना है। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव ने दोनों राज्यों में BJP की हार का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और NDA के दावों को नकारा है। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के दौरान राजद ने 2 सीटों देवघर और गोड्डा पर चुनाव लड़ा है। गोड्डा में राजद के संजय यादव और देवघर में सुरेश पासवान का मुकाबला BJP के उम्मीदवारों से है। लालू यादव ने संजय यादव के पक्ष में प्रचार भी किया। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में उपचुनाव में राजद की जीत निश्चित है। बुधवार की शाम राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में महिला हॉकी एशिया फाइनल से पहले खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में माथा टेका और भारत की जीत के लिए प्रार्थना की। हालांकि भारतीय महिला टीम ने फाइनल मैच में चीन को 1-0 से हराकर पूरे टूर्नामेंट में अजय रिकॉर्ड कायम रखा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेलों में हार जीत से ज्यादा खेल भावना महत्वपूर्ण है और भारत को 2047 तक खेल जगत में टॉप 5 देशों में शामिल करने की योजना है। इसके बाद दोनों मंत्री फल्गु नदी पर
पर बने रवर डैम का निरीक्षण किया। वहीं सम्राट चौधरी ने बोधगया के विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की। पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बाइकर्स गैंग पर शिकंजा कसने के लिए मंगलवार को चलाए गए अभियान के बारे में जानकारी दी। इस अभियान में 46 बाइकर्स पर 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 5 पर एफआईआर दर्ज की गई और 5 बाइक जब्त भी की गई। बाइकर्स पर डेंजरस ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग, ओवर स्पीडिंग जैसे आरोप हैं। लोहान ने बताया कि इन बाइकर्स ने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए स्टंट किए थे। इसके अलावा पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जैसे जीपीओ गोलंबर पार्किंग व्यवस्था और गांधी सेतु पर जाम से निपटने के लिए विशेष प्रबंध है। भारत के क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर का स्थान हासिल किया है। उन्होंने इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि प्राप्त की। हार्दिक पांड्या ने 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 352 रन बनाए और 16 विकेट भी लिए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी गेंदबाजी भी बेहतरीन रही है, जिसमें उन्होंने 3 ओवर में 1 मेडन के साथ सिर्फ 8 रन दिए और 1 विकेट लिया। हार्दिक पांड्या अब 244 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1962 में आज ही के दिन भारत चीन सीमा विवाद के दौरान चीन ने संघर्ष विराम का ऐलान किया। भारत का नाइक आबाद चे नाम का पहला रॉकेट आज ही के दिन छोड़ा गया था। 2008 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर 8% रहने की संभावना व्यक्त की। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पंजाब और हरियाणा में 2 नए जजों जस्टिस राकेश कुमार गर्ग व राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया। आज ही के दिन 1872 में केसरी सिंह बारह प्रसिद्ध राजस्थानी कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था। 1908 में आज ही के दिन सत्येंद्रनाथ बोस, जो कि क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ था। और आज ही के दिन विश्व दूरदर्शन दिवस, नवजात शिशु दिवस सप्ताह, राष्ट्रीय औषधि दिवस सप्ताह और राष्ट्रीय एकता दिवस सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट दिसंबर 2024 सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इच्छुक उम्मीदवार UGC नेट की वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2024 है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 1150 यानी 1150 रुपये, OBC और EWS के लिए 600 रुपये और SC ST दिव्यांग और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये है। परीक्षा 1 से 19 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आयोजित होगी। इस बार 85 विषयों के लिए परीक्षा होगी और परिणाम 3 श्रेणियों में घोषित किए जाएंगे। आवेदन में सुधार 12 से 13 दिसंबर तक किया जा सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा आज का पहला सवाल है, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध है। ऑप्शन ए हिंदू धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी जैन धर्म से, ऑप्शन डी ईसाई धर्म से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैन धर्म से। आज का दूसरा सवाल है, 2 अप्रैल 2021 को आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 के अंतर्गत बाल हृदय योजना आरंभ किया। ऑप्शन ए श्री रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी श्री फागू चौहान, ऑप्शन डी श्री नीतीश कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्री नीतीश कुमार। आज का तीसरा सवाल है, वर्ष 2018 में बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर पथ घनत्व था। ऑप्शन ए 6617 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3086 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3708 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3502 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3086 किलोमीटर। आज का चौथा सवाल है, गरुड़ शक्ति 24 जिसके 9वें संस्करण का हाल ही में आयोजन किया गया था, भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी फिलीपींस। इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किस शहर में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। ऑप्शन ए धर्मशाला, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, मोतीलाल कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन, संजय कुमार शर्मा, सुकांत शंकर, अवधेश तिवारी, बिंदा शर्मा, रोशन कुमार, विवेक मिश्रा, मोहम्मद इमरान, रोहित कुमार, गौतम और मोहम्मद आरिफ शेख। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने लगातार तीसरी बार खिताब जीता है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।